दसाई दख्तर एंड यू आर वॉचिंग दसाई दख्तर व्लॉग्स। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पतंजलि गुलाब जल का रिव्यू। रोज वाटर। क्या आप लोग को पता चला कि हम लोग 20,000 चीते हो चुके हैं इस चैनल पे? अरे हो चुके हैं। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया गाइस। इसी तरह कारवा बढ़ाते जाइए और चीतों की जो कमी है हम लोग मिलके पूरे करेंगे। और इसी खुशी में गाइस मैं इंस्टाग्राम पे भी एक गिव अवे करने वाला हूँ बहुत जल्द, तो मेक श्योर कि आप मेरे को यहाँ फॉलो कर रहे हो। नहीं यहाँ नहीं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, यहाँ तो इंस्टा हैंडल आ रहा होगा दसाई दख्तर। सो बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे भी एक गिव अवे आने वाला है, सो मेक श्योर कि आप मेरे को वहाँ फॉलो करते जा। ऐसे अगर हम इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल में आता है, जिसका फायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा गुलाब जल कितना बचा है। गाइस इसकी पैकेजिंग में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, पहले इसकी पैकेजिंग अलग थी और अभी इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी अलग आ रही है, ग्राफिक्स का थोड़ा चेंजमेंट है। और अगर बात करें कि इसके बॉटल के ऊपर तो इस पर दिव्य गुलाब जल लिखा हुआ है, फ्रेशनेस लाइक रोज, कहीं भी पतंजलि मेंशन नहीं है, मेड इन भारत है। और ये जो मेरा बॉटल है गाइस ये है 120 ml का, 38 rupees में मिला है, एक रुपया भी नहीं छोड़ा पतंजलि स्टोर वाले ने। अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि इस रोज वाटर के कंपोजिशन में क्या क्या मिला है, सो अब वो देख लेते हैं। कंपोजिशन में कहते हैं कि ईच 10 ml कंटेन्स रोजा सेंटिफोलिया एक्वियस डिस्टिलेट ऑफ पेटल्स 10 ml। तो इसमें जो पत्तियों को जो भी प्रोसेस करके इसका निकाला जाता है गुलाब जल, तो पूरा प्योर इसमें 10 ml क्वांटिटी में आपको 10 ml का जो भी उसका प्रोसीजर होगा उससे आपको मिलता है गुलाब जल। अब इसमें कौन सा गुलाब का गुलाब जल मिलाया जाता है, तो वो है रोजा सेंटिफोलिया। ये एक गाइस गुलाब की एक ब्रीड है जिसके बायोलॉजी में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, साइंस में नहीं घुसूँगा, आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना, सीधे आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। एक चीज़ें बता देता हूँ कि ये एक हाइब्रिड प्लांट होता है। गाइस अगर हम बॉटल के अंदर ध्यान से देखेंगे तो हमें इसके अंदर छोटे छोटे रेशे दिखाई देंगे। आई होप कि आपको वीडियो में ये दिख पा रहा हो। तो ये जो छोटे छोटे रेशे टाइप के हैं, आपको कहेंगे कि यार ये क्या गंदा दे दिया क्या प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये रोज जो पेटल्स होते हैं, जो पत्तियां होते हैं, उसको जब ये जो प्रोसेस कर रहे होते हैं सो उसमें रेशे होते हैं बहुत सारी रोज वाटर में, वो छान देते हैं। इसमें छाना नहीं गया, इसमें डायरेक्टली वही चीज़ इसमें दिख रही है। तो इसीलिए इस पर ये चीज़ लिखी भी गई है साफ साफ शब्दों में कि गुलाब जल में तलछट होने पर उसके गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे छान कर या तलछट को बिना हिलाए प्रयोग करें। मे ऑब्जर्व सेडिमेंटेशन बट विल नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट, यूज फिल्टर्ड और विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटेड पोर्शन। सो इससे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। बेसिकली यार ये बड़ा कूल दिख रहा है मेरे को। अच्छा एक बात बताइए कि आपके घर में गुलाब का पौधा लगा हुआ है क्या? लगा हुआ है, हाँ तो जाइए फूल को जरा जाके सूंघिए, हाँ आप भी सूंघिए जाके। सो गुलाब के पत्तियों को या गुलाब को जब आप सूंघेंगे, डिट्टो वैसी खुशबू है इसमें, डिट्टो। अब बात आती है कि गुलाब जल को यूज़ कैसे करना है। सो आप में से बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगा। इसकी लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो करी थी डाबर गुलाबरी के रोज़ वाटर का रिव्यू, उसमें मैंने पूरा तरीका बताया था कि कैसे गुलाब जल को यूज़ करते हैं। सो आप उस वीडियो को एक बार देख लें, यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो उसमें पूरा तरीका मैंने बताया हुआ है कि कैसे गुलाब जल को यूज़ किया जाता है। सो गाइस अब बात आती है मेरे ओपिनियन की, तो उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि इस गुलाब जल को मैं 7-8 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। 7-8 दिन में मैंने इसको 12-13 बार यूज़ करा होगा, कभी कभी 2-3 बार भी यूज हो जाता है, कभी कभी 1 बार हो जाता है यूज। सो उस 12-13 बार में यूज करने पे अभी तक मेरे को कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले, और गाइस आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, यस। और अब तक मैं 3 ब्रांड के गुलाब जल को यूज़ कर चुका हूँ। फर्स्ट इज डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर, जिसका मैंने एक रिव्यू वीडियो भी अपने चैनल पे करा, अगर आपको देखना हो तो आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। दूसरा है लखनऊ का ब्रांड है साहिबा का, वो भी एक चीप ऑप्शन है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो उस पर भी एक वीडियो मैं इन फ्यूचर बना दूंगा। तो उस एक बॉटल को मैंने अभी लास्ट मंथ ख़त्म करा है और अब फाइनली मैं दिव्य गुलाब जल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि भाई इस पर रिव्यू करो। सो मैंने इसको ख़रीदा और 7-8 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और गाइस मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये कोई पेड वेड नहीं है, मेरे को ये जेन्युइनली प्रोडक्ट अच्छा लगा है। सो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक चीप ऑप्शन देख रहे हो और आप एक प्योर रोज़ वाटर देख रहे हो, अगर आपको ब्रांड पे नहीं जाना है और आपको चीप चाहिए और आपको एक अच्छा चाहिए, सो दिव्य गुलाब जल विल बी योर ऑप्शन। आप जाके देख सकते हो, इसको यूज़ करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। और आप में से जितने भी दिव्य गुलाब जल को यूज़ कर रहे हैं आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे होता ये है कि हमारे बाकी व्यूवर्स को पता चलता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा ख़राब रहा, या आप में से जो और भी किसी अलग ब्रांड का यूज़ कर रहा है सो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए।
बहुत अच्छा लग रहा है जब कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो गाइज लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो करी थी डाबर गुलाब जल के रिव्यू की और उस पर आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है और प्यार के साथ साथ बहुत सारे कमेंट भी मिल रहे हैं। तो उनमें जो दो बहुत ज्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के जरिए उस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँ। जो पहला सवाल पूछा जा रहा है गाइज कि रोज वाटर को अपने चेहरे पर हम लोग जब लगा के साफ कर लेते हैं या धुल लेते हैं, जिस तरीके से भी आप चेहरे पर अपने अप्लाई कर रहे हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि रोज वाटर अप्लाई करने के बाद क्या हम अपना चेहरा धुल लें? भाई क्यों, जब आपको अपना चेहरा ही धुलना है तो रोज वाटर मत लगाओ ना। रात को जब आप उससे अपना फेस को एज अ क्लींजर या एज अ टोनर करके आप जब यूज कर रहे हो या अपना चेहरे को साफ कर रहे हो या अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हो, धोने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और दूसरा सवाल जनता ये जानना चाहती है कि क्या हम मुल्तानी मिट्टी फेस पैक में गुलाब जल को ऐड कर सकते हैं? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा चलते चलते एक टिप दे देते हैं आप लोग को, बिल्कुल ही भगदड़ वाली टिप है ये। आपको कॉल आया और बोला गया कि भैया भाग आओ जल्दी बाहर आओ, मिलना है तुमसे। बहुत सारे केसेस में ऐसे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है कि आपके चेहरे पर आप क्रीम या कुछ भी ऐसा अप्लाई कर पाओ। उस केस में क्या करना है गाइस, 4-5 ड्रॉप लो आप गुलाबरी वाटर के और बस अपने चेहरे पे इस तरीके से बस हल्का हल्का पैट कर लो, बस काम खत्म, वो सीधे निकल लो। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो अपने किसी 3 मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और हम जानते हैं कि हमें बिना लाइक किए आप लोग जाते नहीं हैं, फिर भी आप लाइक कर दिया करिए और कमेंट में जो पूछना है जो भी चीज़ है आप लोग लिख दिया करिए। और बात रही सब्सक्राइब करने की, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है टोटली आप पर डिपेंड करता है। बट अगर आप इन फ्यूचर हमारी कोई भी नई वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ घंटा दबा दीजिए, और नहीं तो मस्त चीता परिवार बढ़ाते रहिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।